समदड़िया समदड़िया समदड़िया, शासकीय जमीन की लूट के बाद अब नजर निजी जमीनों पर। आवासीय भूमि हुई बंजर, रसूखदारों से लेकर पटवारी तक संदेह के घेरे में। जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष ने सोमवार को बड़ा खुलासा करके शहर के रसूखदारों से लेकर तमाम आला अधिकारियों सहित जमीन से जुड़े अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। जी हां, शिव सिंह ने शहर के मध्य शिल्पी प्लाजा और कॉलेज चौक के बीच पृथ्वीराज मार्केट व शांति मंडप युवराज गार्डन वाली जमीन का मामला उठाते हुए आरोप लगाया। उक्त भूमि को समदड़िया ने बंजर बताकर रजिस्ट्री करवा ली है, जबकि उक्त भूमि के जमीन व मकान से संबंधित कई विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। शिव सिंह ने दावा किया कि उक्त जमीन पर निर्मित बारात घर पर पूरे शहर का व्यक्ति कभी न कभी आया होगा। मंत्री से लेकर संतरी तक, अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक यहाँ किसी न किसी वजह से आ चुके हैं, और यह जानते हुए यह भूमि आवासीय है बंजर बताकर समदड़िया को सस्ते में दे दी गई। नगर निगम के रिकॉर्ड भी बताते हैं इस जमीन पर कई मकान भी विभाग में दर्ज हैं। उक्त जमीन को लेकर कई फौजदारी मुकदमे भी रीवा कोर्ट में दर्ज हैं। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय मंत्री के इशारे पर पूरा जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी समदड़िया को अवैध कार्य करने के लिए संरक्षण दे रहे हैं। हमारा आरोप है कि अभी तक समदड़िया ने शहर की 1500 करोड़ रुपए की बेस कीमती जमीनों को 300 करोड़ रुपए में खरीदने का काम किया, और आज सबसे बड़ा घोटाला जो सामने हुआ मैं उजागर कर रहा हूँ, वो युवराज गार्डन और शांति मंडप जो है, यहाँ पर एक दर्जन दुकानें थी, कोठी थी और दो बारात घर थे, जिनको दिसंबर 2017 में समदड़िया ने खरीदा माल बनाने के लिए, और उस जमीन को समदड़िया ने रिकॉर्डों में कलेक्टर और तहसीलदार से मिली भगत करके उसको बंजर दिखा दिया। और जो यहाँ पंजीयक थे, जिन्होंने रजिस्ट्री किया, जिन्होंने मुहर लगाई, वो सबसे बड़े आरोपी बनते हैं इस मामले में, कि जिन्होंने बिना देखे समझे ऐसी बेस कीमती जमीन को बंजर दिखा करके समदड़िया को लाभ पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी की गई, और अजीत समदड़िया के नाम दिसंबर 2012 में नामांतरण किया गया,